हमारे देश में महापुरुषों के जन्मदिन पर एक दिन की छुट्टी होती है, पर इस बलात्कारी बाबा जो ना राम का है ना रहीम का, उसको कोर्ट में पेश करने के लिए सरकार 3 दिन की छुट्टी देती है और उसके बाद भी खट्टर सरकार कुछ नहीं कर पाई। 32 लोगों की मौत, हजारों घायल और करोड़ों की देश की संपत्ति जलकर राख हो गई। हैरत की बात तो यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी किसी राजनेता का कोई बयान नहीं आया। मेरा मानना यह है कि ऐसे राजनेता, लालची राजनेता, जिन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो ऊंचे दर्जे के नीच राजनेता है। मैं सलाम करती हूं उन दो साध्वी को, हमारे देश की बहादुर बेटियों को, जिन्होंने 15 साल तक अपने देश, अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ, उस बलात्कारी ताकतवर बाबा के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके आगे सरकार भी घुटने टेके हैं। यहां तक कि खट्टर सरकार तो जीत जाने के बाद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बाबा के आश्रम में मत्था टेकने गई। मोदी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने ही दिया था ना, पर बेटी बचाओ का स्लोगन आज शक के घेरे में है। देश की पूरी बेटियों को इंतजार है कि आप कब उन दो बहादुर साध्वी, जो हमारे देश की बहादुर बेटियां हैं, जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई उस राक्षस के खिलाफ लड़ी, उनको कब बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे। आपकी और आपके राजनेताओं की बहुत सारी तस्वीरें हमने उस बलात्कारी बाबा के साथ देखी है, पर देश को इंतजार है उन दो बहादुर बेटियों के साथ आपकी एक सेल्फी का। मोदी जी, जिस समय हरियाणा जल रहा है, आप बिहार में हवाबाजी कर रहे हो, और वो भी बाढ़ का पानी सूख जाने के बाद। खैर छोड़े, आपका संघ जो AK-47 और पिस्टलों को मदरसों में ढूंढ रहा है मोदी जी, वो तो डेरा समर्थकों के पास से बरामद हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सलाम करती हूं हिंदुस्तान के जुडिशरी को, जिन्होंने ऐसा फैसला करके देश की आम जनता का सर गर्व से ऊंचा किया और उनकी आस्था को देश की न्यायालय के प्रति कायम रखा। जय हिंद।